नरम की तो बात यह है, नरम अगर उन्हें पढ़ना है तो वो पढ़ जाएं, हम तो अपना बिल वापस कराने आए हैं भैया। आज ये टेंट हैं, अगर 10-5 दिन या 10-15 दिन और ऐसे ही निकल गए तो फिर तो हम ईंटें मंगा कर मकान बनाने चालू कर देंगे, अपनी अपनी खोलियां बनाने चालू कर देंगे। बात अब बिजली प्राइवेट है और दुगनी महंगी है और उसका किराया ले रहे हैं, तो भैया हम भी सरकार को बिजली विभाग को नोटिस देंगे कि प्राइवेट की है कि हमारे खेत में जो खंबा है उससे नुकसान हो रहा है हमारी फसल का, हमें इसका मुआवजा चाहिए। हमें हर महीने 1857 की क्रांति से और आज तक की इस किसान क्रांति से देख लीजिए, और ये इनके ये मर जाएंगे, ये इनका नाम देश के गद्दारों में लिखा जाएगा और इस आंदोलन का नाम किसान कुंभ के नाम से जाना जाएगा। सरकार कुंभ लगाती है या किसान कुंभ लगाया जाएगा, ये गॉड से के मानने वाले हैं तो उन्हीं के बच्चे हैं भैया। चूहे के जो बच्चे होते हैं वो बिली खोदते हैं, वो घर में जाएंगे तो कपड़े फाड़ेंगे, नुकसान करेंगे, और खेत में रहेंगे तो फसल को नुकसान करेंगे, तो ये उन्हीं चूहों के बच्चे हैं। आज ये देश पर राज कर रहे हैं तो भैया ये किसानों का नुकसान करेंगे। किसान भाइयों की तरफ से जो है और केंद्र सरकार की तरफ जो है 8वीं वार्ता जो है रखी गई थी वो भी विफल ही रही है। 9वीं वार्ता के लिए जो है 15 तारीख का समय दिया गया है, उसको लेकर के है क्या कहने वाले हैं, किस तरीके से ये पूरा आंदोलन चलेगा, क्या होगा आगे जा करके, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले जो है किसान भाइयों का क्या कहना है, क्या अगली तारीख में जाने के लिए ये सज्ज हैं, क्या जाना चाहते हैं, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट पर है पूर्णतः ये विश्वास करते हैं कि इनके पक्ष में जो कुछ फैसला आएगा, किस तरीके से तमाम मुद्दों से बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ किसान भाई जो मौजूद है यूपी बॉर्डर पे, आइए बातचीत करते हैं कि क्या आगे करने वाले हैं, क्या निर्णय होगा, किस तरीके से आंदोलन चलने वाला है। सर सबसे पहले आपका स्वागत है डीएसपो न्यूज में, कैसे देखते हैं इस बार की वार्ता से है, काफी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि जो है इस बार सरकार जो है नर्मदा ला करके जो है बात माने, क्योंकि अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है एक अच्छा मैसेज दिया था आप लोगों ने, क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, और अधिकार ना मांगे मिलते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। देखिए जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो तब भगत सिंह ने अपने प्राण देकर नौजवानों को संबोधित करते हुए अंग्रेज़ों को ललकारते हुए कहा था कि हम अब तुमसे आज़ादी छीन कर रहेंगे, और उन्होंने जन आंदोलन लोगों के लिए, नौजवानों के लिए जन आंदोलन के लिए तैयार किया, और उनकी कुर्बानी को देखकर बच्चा बच्चा तैयार हुआ। ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन करके ही सारे अधिकार प्राप्त किए। तो हम जो किसान लोग हैं, हम जो भगत सिंह के लोग हैं, हम जो उनके अनुयायी हैं, इस देश में हर चीज़ आंदोलन से हमने ली है। लेकिन आज जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो लोग बैठे हैं जिनके पूर्वजों ने देश की आज़ादी में गद्दारी की थी। इनके पूर्वजों को अगर आप पढ़ेंगे, उनको खंगालेंगे, चाहे वीर सावरकर हों चाहे कोई और भी हों, तो उनका आप मिलेंगे। जब भगत सिंह फांसी लग रहे थे तो एक आरएसएस के उसने ही गवाही दी थी, और जब वीर सावरकर उसकी काला पानी की अंडमान निकोबार की जेल में थे तो 4-4 बार चिट्ठी लिख रहे थे कि देश की आज़ादी के आंदोलन में मेरी कोई भूमिका नहीं थी, मुझे बाहर निकालो और जो तुम कहोगे मैं मानूंगा। ये 4 चिट्ठियाँ उनकी आज भी रखी हैं, और ये उन्हीं के मानने वाले हैं, ये गॉडसे के मानने वाले हैं, तो उन्हीं के बच्चे हैं भैया। चूहे के जो बच्चे होते हैं वो बिली खोदते हैं, वो घर में जाएंगे तो कपड़े फाड़ेंगे, नुकसान करेंगे, और खेत में रहेंगे तो फसल को नुकसान करेंगे, तो ये उन्हीं चूहों के बच्चे हैं। आज ये देश पर राज कर रहे हैं तो भैया ये किसानों का नुकसान करेंगे, ये जो मजदूर हैं उनका नुकसान करेंगे, ये सभी का नुकसान करेंगे, और आज वो कर रहे हैं उसका नतीजा है। लेकिन हमने भी आंदोलन से ही हर चीज़ को लेना सीखा है, ये क्या है, और हम तो इन्हें अन्न देते हैं, हम अन्न इन्हें देते हैं तब ये खाते हैं, दलाली में कोई अन्न पैदा नहीं होता। अच्छा, ये दलाल मंत्री जी जो हैं तोमर जी वो ये कह रहे हैं कि एक किसान भाई जो है कुछ अन्य विकल्प लेकर के आए, ऐसे अड़े ना रहे कि बिल को ही वापस कराना है, कुछ अन्य विकल्प लेकर के आए तब कुछ बीच का रास्ता निकलेगा। देखिए सरकार की नीयत ठीक नहीं है, अगर सरकार की नीयत ठीक होती, उन्हें देश के लोगों से प्यार होता, उन्हें देश की जनता से प्यार होता, तो वो बिल्कुल देश हित में काम करते, देश से गद्दारी नहीं करते, देशद्रोही नहीं करते, वो ठीक कह देते कि भाई अगर किसान नहीं चाहता है और हम किसान के लिए बिल्कुल चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो तुरंत कहते भी कैंसिल करो, हमारा अन्नदाता नहीं चाहता ये बिल। लेकिन उनकी नीयत ख़राब है, वो दलाली से ही पैदा हुए, आज फिर दलाली कर रहे हैं अंबानी अडानी की, क्योंकि एक जब लॉकडाउन हुआ तभी से उनके जो ये स्टोर हैं वो बनने स्टार्ट हो गए थे, और ये बिल अब लाए हैं, तो इनकी नीयत पहले से ही ख़राब थी, और ये नहीं चाहते कि इस तरीके का बिल वापस हो, ये तो ये चाह रहे हैं कि अन्नदाता कैसे यहाँ से, बारिश पड़े, सर्दी पड़े, इनका अन्न ख़त्म हो, ये इतने लाचार हों, ये अपने आप ही यहाँ से चले जाएँ।
वो दिन देख रहे हैं और हम ये दिन देख रहे हैं कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हें अन्न देते हैं, आप हमें अन्न नहीं देते, हम तो यहीं बैठे बैठे, हमारा एक भाई यहाँ तो एक खेत पे है, अगर पति यहाँ तो पत्नी खेत पे है, तो हम तो अन्न फिर भी उगा लेंगे, लेकिन हम आपको अन्न देते हैं, आप हमें नहीं देते हैं। चीज़ और भी रखा गया है उसमें, कह रहे हैं कि किसान भाई जो हैं आंदोलन कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कम से कम उन किसानों के बारे में तो सोचें जो समर्थन करने के लिए आ रहे हैं हमारे पास। जो आ रहे हैं वो उनका भी वो भी लगवा दें, टेंट लगवा दें, वो भी अपने आवास के बाहर लगवा दें कि हमारे समर्थन में इतने किसान हैं। भाई विरोध वाले किसान तो बॉर्डरों पे हैं, वो हवाई जहाज से बुला के अपना दिल्ली में कहीं भी दिखा दें, बहुत सारी जगह हैं, उन्हें बुला लें और देख लेंगे किसकी, भाई आप मीडिया वाले हैं, आप दिखा दो क्या विरोध वाले ज्यादा हैं या समर्थक ज्यादा हैं, पता चल जाएगा, पानी का पानी दूध का दूध। अच्छा एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि जब ये किसान भाइयों के लिए हित के लिए जब ये बिल लाया गया है, कह रहे हैं कि 70 सालों से ये मांग रही है, 25 सालों से हम इस बिल को बना रहे हैं, किसान भाई ने खुद ये प्रस्ताव रखा था, जब किसान भाइयों ने प्रस्ताव रखा ही था तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं जब इनके हित के लिए इतना बनाया गया बिल? देखिए जब ये कह रहे थे कि CAA आएगा और NRC आएगा तो ये कह रहे कि मुसलमानों की समझ में नहीं आया, ये इनके हित के लिए है। उसके बाद में कि GST जो है ये व्यापारियों के हित के लिए है, ये इनकी समझ में नहीं आएगा। अब ये बिल किसानों के जो खिलाफ बिल बनाया कि ये किसानों के समझ में नहीं आएगा, ये तो इनके हित के लिए है। भाई क्या तुम ही एक पढ़े लिखे हो, बाकी यहाँ कम पढ़े लिखे हैं, मैंने MA किया है, मैं MA आदमी हूँ, किसान हूँ, मेरे बाप ने मुझे 60 बीघा ज़मीन दी है, लेकिन मैं अपने बच्चे को क्या दे के जाऊँगा, गिरवी ज़मीन अडानी अंबानी के, उसमें मेरी औलाद मुझसे कहेगी कि तू अपने बाप का कैसा बाप था और मेरा कैसा बेटा था और मेरा कैसा बाप है जो अपनी ज़मीन के लिए रख सका। तो इन ये सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, अनपढ़ लोग हैं, गंवार लोग हैं, ये अगर इन्हें अकल होती या देश के हित में जरूरत होती तो आज जो हमारे देश की GDP है वो आज इतने धरातल पर नहीं जाती। अच्छा ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन राजनाथ सिंह जो है बार बार चीज़ कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बार बार इनको भड़का रहा है किसान भाइयों को कि उनकी ज़मीन जो है हड़प ली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत, कह रहे हैं कोई माइक लाल ऐसा नहीं, राजनाथ सिंह जी ऐसा कह रहे हैं, कह रहे कोई माइक लाल ऐसा नहीं है जो किसानों की ज़मीन हड़प ले, तो फिर किस बात का डर है इन लोगों की ज़मीन हड़प ली जाएगी? देखिए फेसबुक सोशल मीडिया पर 2012 की किसान राजनाथ सिंह की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो बिल है किसानों के बिल्कुल विरुद्ध है और हम साथ खड़े हैं किसानों के, इसे बिल्कुल पास नहीं होने देंगे, 4 साल में इतना अच्छा हो गया वो बिल, या सरकार बदलते ही तुम्हारी नीयत बदल गई। तो ये एक नंबर के झूठे हैं, एक नंबर के गद्दार हैं और निकम्मे हैं, नक्कारा हैं। इन लोगों ने देश को बर्बाद करने के अलावा आज तक कुछ भी नहीं किया है, आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, देश की आज़ादी से और आज तक देखते हैं, 1857 की क्रांति से और आज तक की इस किसान क्रांति से देख लीजिए। और ये इनके ये मर जाएंगे, ये इनका नाम देश के गद्दारों में लिखा जाएगा और इस आंदोलन का नाम किसान कुंभ के नाम से जाना जाएगा, या सरकार कुंभ लगाती है या किसान कुंभ लगाया जाएगा। अच्छा बीज का विकल्प क्या होगा? जी बीज का विकल्प कैसे होगा? विकल्प देखिए, विकल्प लेने के लिए किसान यहाँ नहीं आए हैं, विकल्प देखिए विकल्प के लिए तो यहाँ किसान आए ही नहीं है, और ये जो विकल्प विकल्प कर रहे हैं विकल्प उनके लिए होगा, हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है, हम तो बिल वापस चाहिए, कोई विकल्प हमने रखा ही नहीं है विकल्प, या हमारे नेताओं ने रखा ही नहीं है। बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, हर वार्ता में इसी चीज़ को रिपीट करते हैं, कहते हैं कि ऐसा मतलब अड़े ना रहे किसान भाई जो है कि हम बिल वापस कराएंगे, कह रहे हैं कि दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष को नरम होना पड़ेगा तभी जो बीच का रास्ता निकलेगा, तो क्या किसान भाई नरम होंगे? क्योंकि इतने दिनों से आप लोग डटे हुए हैं तो आप ही नरम होंगे? देखिए हमने तो संघर्ष करना, जब खेती की जाती है तो ये जाड़ा ये तो कुछ भी नहीं है, पाला पड़ता है, किसान जब खेत में अब सर्दियों में गेहूं में पानी लगाता है ना रात में तो पाला पड़ रहा होता है, और जब गन्ना काटता है तो पाला पड़ रहा होता है, इतनी इतनी बर्फ़ जिसे पाला कहते हैं वो जमा होता है, तो ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है, बर्फ़ पड़ रही होती है, ये चीज़ तो कुछ भी नहीं है। नरम की तो बात ये है, नरम अगर उन्हें पढ़ना है तो वो पढ़ जाएं, हम तो अपना बिल वापस कराने आए हैं भैया, आज ये टेंटें अगर 10-5 दिन या 10-15 दिन और ऐसे ही निकल गए तो फिर तो हम ईंटें मंगा कर मकान बनाने चालू कर देंगे, अपनी अपनी खोलियाँ बनानी चालू कर देंगे। बात ये इसका क्या है, इसका क्या मैसेज देना चाहते हैं इसमें? जो किसान विरोधी है वही देशद्रोही है, ये देश ऋषि और कृषि के नाम से मशहूर है, और यहाँ की खेती और यहाँ के ऋषि बुद्ध पूरी दुनिया में है, कितने देश बुद्ध को मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है,
और यहाँ की कृषि, आप कहीं का भी बीज ले आओ, यहाँ बो दो, यहाँ की फसल आराम से हो जाएगी। बाकी किसी देश की जलवायु ऐसी नहीं है जो हर फसल वहाँ हो जाए, लेकिन किसी भी देश की फसल इस दुनिया में जहाँ जहाँ आदमी है वो खेती कर रहा है, उस फसल का बीज यहाँ ला के बो दो, आराम से हो जाएगी। लेकिन बाहर की खेती, यहाँ की खेती उस देश में नहीं होगी, क्योंकि वहाँ ऐसी जलवायु है ही नहीं। चलिए ठीक है, आखिरी सवाल मेरा कि उत्तर प्रदेश से खबरें आ रही हैं बार बार कि किसान भाई जो आंदोलन में आ रहे हैं उनको शायद रोका जा रहा है, नोटिस भी भेजा जा रहा है कि आप आंदोलन में नहीं जा सकते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार से, कैसे? देखिए, उनका काम है रोकने का, हमारा काम है करने का। नहीं तो आप लोगों का भी तो अधिकार है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी तरीके से बिल के विरोध में हैं, और जो किसान भाइयों को रोका जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, ऐसे चिट्ठी फरमान हमारे पुरखों पे पहले बहुत आए, जब देश आज़ादी की बात हो रही थी, तो अब ये जो चिट्ठियां पत्रियां आ रही हैं या नोटिस आ रहे हैं, इनसे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इनसे किसी को फांसी नहीं लगने वाली। बलात्कार हुआ है अभी हाथरस में, उनको फांसी नहीं हुई, उसके निर्भया के हत्यारों को, दरिंदों को अब जाके फांसी हुई है, तो ये तो नोटिस हैं, इनका क्या करना है ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, और एक एक बात और बता, एक 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 अहम बात और एक अहम बात और भी है कि अभी तो हम जागने स्टार्ट हुए हैं, और अब हम जगे भी हैं। जब बिजली सरकारी थी तो हमारे मीटर का किराया नहीं जाता था, अब मीटर जो है हमारे घरों में लगा हुआ उसका किराया जाता है हर महीने 200 रुपये, क्योंकि अब बिजली प्राइवेट हो गई है। और जब हम यहाँ से वापस जाएंगे ना, तो जब बिजली सरकारी थी तो हमें अपने खेत के में लगे खंभे पर कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि मीटर का किराया नहीं जाता था और बिजली सस्ती थी। अब बिजली प्राइवेट है और दुगनी महंगी है और उसका किराया ले रहे हैं, तो भैया हम भी सरकार को, बिजली विभाग को नोटिस देंगे कि प्राइवेट की है, कि हमारे खेत में जो खंबा है उससे नुकसान हो रहा है हमारी फसल का, हमें इसका मुआवजा चाहिए, हमें हर महीने जो भी है, जब तुम हर महीने अपने मीटर का बिल ले रहे हो, किराया ले रहे हो, तो हमें अपनी खेती का चाहिए। भाई सरकार की थी जब बिजली तो कोई बात नहीं, हमने माफ़ किया, भाई सरकार के लिए तो हमसे सरकार है, लेकिन आज बिजली प्राइवेट है तो हम अभी नोटिस भेजेंगे सभी किसान घर जाते ही, कि जिसके भी खेत में खंबा होगा बिजली का, कि भैया इसे या तो हटाओ या फिर मुझे इसका मुआवजा दो, अगली बार किराया दो। अगली बार में फिर से आप लोग जाने वाले हैं? देखिए बड़े जो किसान नेता हैं, हमें उन पे हमें पूरा विश्वास है, वो जैसे भी निर्णय लेंगे हमारे हक में लेंगे, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं तो उनके पीछे समर्थक हूं। फिलहाल आप लोग आंदोलन जारी? बिल्कुल आंदोलन जारी है, जारी रहेगा।